हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अवनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी अदर टॉपिक पे अपने कंटेंट चाहते हैं या मतलब अपना कोई टॉपिक है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उस पर आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा दूँगी। एंड देन बहुत जल्दी हमारा ये कम्प्लीट कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा। एंड देन हम दिसंबर के लिए प्रैक्टिस कोर्स लेके आएंगे MCQs बेस पे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं 10th यूनिट का। हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखी हैं, उसी का ये एक पार्ट है। इसमें पूछा गया है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर्स होता है वो क्या होता है, कि एंटरप्रेन्योरशिप्स जो हमारी होती है वो एक्चुअली में टू वर्ड से कैलिबर किया गया है। एंट्रा, एंट्रा मीन्स होता है विद इन अ कंपनी या कॉरपोरेट। एंटरप्रेन्योर्स होता है हमारी एसेंशियली एंटरप्रेन्योर्स इज पर्सन हु वर्क्स विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जब कोई पर्सन एक कंपनी के अंदर ही रह के कुछ न्यू आइडियाज़ देता है, न्यू क्रिएटिव थिंग्स को जनरेट करता है, और वो एक मैनेजेरियल स्किल्स रखता है, तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। कि कम्बिनेशन जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड इस पे एंटरप्रेन्योरशिप में जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड मैनेजेरियल स्किल्स का एक कम्बिनेशन होता है। कि मतलब उसके पास कुछ न्यू आइडिया होता है और उसके कुछ अपने स्किल्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट की को इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी नॉलेज इफ़ेक्ट करती है। ये हमारा आता है एंटरप्रेन्योरशिप्स में। रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि न्यू टैलेंट को हम देख रहे हैं। एक्चुअली न्यू ब्लड किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से थिंकिंग है उसकी, न्यू प्रोसेस किस तरीके से वो कर सकता है, या कोई भी बेस्ट सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड करा सकता है। उसकी एबिलिटी, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो नॉलेज है, वो कितनी हेल्पफुल है एक एंटरप्रेन्योरशिप्स में, तो इसको देखा गया है। इसके कुछ फीचर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। इसके जो फीचर हैं कि ये एक हमारी जो बिजनेस है उसको इन्हांस करने में, उसको एक अच्छा बनाने में अपना एक रोल प्ले करता है, जो कि प्रमोट करता है न्यू आइडियाज़, न्यू थिंकिंग, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड इसमें बोला गया है कि ये रिस्क खुद पे नहीं लेते, एंटरप्रेन्योरशिप्स के ऊपर रह के ये रिस्क लेते हैं। अपना इनका ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्क टेकर होते हैं, ये रिस्क टेकर नहीं होते हैं, रिस्क टेकर्स एंटरप्रेन्योरशिप ही होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स न्यू आइडिया दे सकता है, न्यू थिंग्स को अपनी जनरेट कर सकता है, और ये जो होते हैं बेसिकली प्रॉफिट्स के बेस पे ये वर्कआउट करते हैं। तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस कल्चर को फॉलो किया जा रहा है कॉरपोरेट में, क्योंकि ये क्या करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, कि सपोज़ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये देख अपने माइंड से, ऐसा कुछ नहीं इनको टास्क दिया जाता है, ये अपना इनोवेटिव्स कुछ लोग होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार अगर इस प्रोजेक्ट में इस तरीके से वर्कआउट किया जाए, इस तरीके से प्लान करके, अपनी स्ट्रैटेजी करके अपने गोल को अचीव किया जाए, तो होप्स अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो इस तरीके से ही अपने जो आइडियाज़ होते हैं, अपनी जो थिंकिंग होती है, अपनी नॉलेज होती है, अपनी स्किल्स एबिलिटीज होती हैं, वो यूटिलाइज करती हैं कंपनी के लिए। तो ये ऑन बिहाफ एंटरप्रेन्योरशिप्स ये वर्क करते हैं, ना ही इनका अपना कुछ सोर्सेज होती हैं, ये सारा कुछ कंपनी का ही यूज़ करते हैं। बस इनको एक सर्टेन प्रॉफिट्स दिया जाएगा आफ्टर द ग्रोथ या आफ्टर द ड्यूरेशंस। ये एक अच्छी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए करते हैं। तो ये डिफरेंस हम देख लेते हैं, जो कि एक दो बार क्वेश्चन में आया हुआ है, पूछा गया है कि एंटरप्रेन्योरल कौन होते हैं और एंटरप्रेन्योरल कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरल वो होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय की तरह वर्क करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स की तरह वर्क करते हैं बिजनेस में और ऑर्गेनाइजेशंस में। बट एंटरप्रेन्योरल वो होते हैं जिनका खुद का अपना ही बिजनेस होता है, वो सिंगल हैंडल पर्सन होते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये कंपनी की ऑर्गेनाइजेशंस की रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ वर्क, या अपने आइडियाज़
बट एंटरप्रेन्योरशिप्स जो होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स की अपनी ही रिसोर्सेज होते हैं, अपनी ही कंपनी होती हैं, तो कैपिटलाइजेशंस भी इनकी खुद की होती है. मीन्स ये कैपिटल भी लगाते हैं और अपने रिसोर्स भी. बट एंटरप्रेन्योर्स की कोई अपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं करते हैं कि हाँ इन्होंने 2-3 लाख रुपए लगाए हैं कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पे एंड देन ये अपना आइडिया अपना कंप्लीट करते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. वो सब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का एंटरप्रेन्योर का रहता है. और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को डिवाइड करके देखते हैं, बट ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. बट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड होकर वर्क नहीं करते. इनका खुद का बिजनेस होता है, डिसीजंस होते हैं, तो ये खुद से ही अपना सारा इनिशिएटिव लेते हैं. एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस के एक तरीके से पार्ट ऑफ होते हैं. बट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये सेटअप करते हैं अपने बिजनेस को. तो फ्रेंड्स ये एक डिफरेंस है, हमेशा से पूछा गया है कुछ ना कुछ इसमें. तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको ध्यान से पढ़ें. एंड सेकेंड आता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स. ये फंक्शन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. विमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? 2006 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन्स को बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से प्रीफ्रेंस देना स्टार्ट किया था. इसमें बोला गया था एटलीस्ट 51% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड किया जाए वुमेन्स से, एंड मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो दिया जाता है वुमेन को. तो वीमेन का जो रहता है 51% रहता है जो वीमेन को इंटरेस्ट लोन के टाइम का रहता है, एंड 51% वीमेन वर्किंग भी होनी चाहिए, इस तरीके से इन्होंने बोला हुआ है. तो नाउ अडेज जैसे लाइक मैंने इसमें एग्जांपल लिखा है एकता कपूर का, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट अपनी इकोनॉमिकली मतलब कि कितना उन्होंने अपना प्रॉफिट अर्न करना है, क्या करना है, पूरा प्लान करके एक फिक्स्ड अमाउंट पे ये अपना माइंड सेट करके रिस्क लेके अपना बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं. और ये सेल्फ डिपेंडेंट लेडी होती हैं. तो नेक्स्ट फंक्शंस में ये कह रहे हैं कि जो विमेंस होती हैं वो किस तरीके से इस जो बिज़नेस को स्टार्ट करती हैं, किस तरीके से करती हैं. तो फ्रेंड्स इसकी कुछ स्टेप्स हैं जो डायरेक्ट लास्ट टाइम के क्वेश्चंस में पूछी गई थी. सबसे पहले कोई एक आइडिया होता है जिसको हम जनरेट करते हैं, हमारे माइंड में कोई आइडिया जनरेट होता है, फिर उस आइडिया को स्कैनिंग करते हैं, फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव फाइंड करते हैं कि हाँ एक्चुअल में हम इस आइडिया से क्या वर्क करेंगे, किस तरीके से अपना हमारा जो बिज़नेस होगा उसको फॉलोअप में लेंगे. फिर हमारा आता है कि हम प्रोडक्ट को एनालिसिस करते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाना है वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, कितना यूज़फुल होगा सोसाइटी के लिए, कस्टमर के लिए, ऑल दैट. हम वो सब चीज़ें चेक करते हैं, डिटरमिनेट करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. फिर हम कंप्लीट ऑफ प्रमोशनल फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, मतलब कि हमें अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ करनी है. फिर फंड्स को हम अरेंज करते हैं, फिर प्रोसेस देखते हैं, मैन मशीन मटेरियल्स का एंड ऑपरेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक न्यू बिजनेस को न्यू थिंग्स में कन्वर्ट कर देता है. तो फेडरिक हर्विनसन ने 1956 में कुछ 5 स्टेप्स बताए थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. इन्होंने बोला था कि जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना होता है अपना न्यू, तो हम पहले एक्सप्लोर करते हैं, फिर उससे हम रिस्क को अंडरस्टैंड भी करते हैं. हैंडलिंग के भी हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपने बिजनेस के रिस्क एंड रिटर्न को देखने के लिए. एंड देन हमारा जो इनोवेशन है, इमिटेशंस मीन्स कि एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, कुछ न्यू होना चाहिए, कुछ अच्छी सी थिंकिंग होनी चाहिए. फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल्ड करेंगे अपने बिजनेस को, फिर उसको हम कंट्रोल करके डायरेक्ट करेंगे कि हाँ ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी देन लीडरशिप्स इसमें देखी जाती है. तो इसमें ना 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे रिस्क वेयरिंग एक पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन, ये तीनों पार्ट्स जो होते हैं ये एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी होता है. नेक्स्ट आता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप्स, जो कि हमारी रूट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, जो हमें इकोनॉमिक को हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड करने में, कि जो भी हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी है, उसको किस तरीके से हमें अपना
इनहेंस करना है थ्रू द रूरल एरियाज़। मीन्स आप सब जानते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर से वो पार्ट ऑफ जीडीपी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसमें कुछ चीज़ों को देखा जाता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम सामने आती है वो लो प्रोडक्टिविटी की आती है, नेचुरल क्लाइमेट्स की प्रॉब्लम आती है। जैसे सपोज जैसे इस टाइम पे बिहार में बाढ़ आ गई, तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर पार्ट है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एग्रीकल्चर के क्रश क्रॉप्स मिसमैच हो जाते हैं बहुत बार, उसकी वजह से होगी डिस्पैरिटीज जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, मतलब जैसे सपोज किसी ने वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म लगाया हुआ है पार्टनरशिप में और उसमें इस टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो वो भी एक कहीं ना कहीं पार्ट रहता है। तो फ्रेंड्स ये सब रूरल और अर्बन एरिया के पीपल्स को झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, और हमेशा से ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जीडीपी को या हमारे रूरल एरियाज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें। और ये जो पॉवर्टी, हमारी पॉवर्टी लाइन है उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में हेल्प करता है। इसके कुछ किस तरीके से डेवलप्ड किया जाए रूरल एरिया को, इसमें बोला गया है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको अच्छे से हमें यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए हमारे लोकल रिसोर्सेज के लिए। एंड देन ऑक्यूपेशंस वुड लोअर डाउन द लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। मीन्स जो डिस्क्रिमिनेशंस आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो उस पार्ट को इन्होंने बोला है कि बहुत कम कर देना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव को हमें कम करना है। और मैन एंड मशीन्स, मटेरियल्स, ये जो हमारे पार्ट्स हैं 6 M's जिनको बोला जाता है, मैन मनी मटेरियल मशीनरी मैनेजमेंट एंड मार्केट, इन्हें हमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। 4 basic types होते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर्स के। एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है, ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप्स भी होती है, क्लस्टर फॉर्मेशंस भी होती है, एंड कोऑपरेटिव भी होती है। इंडिविजुअल जैसे सपोज इंडिविजुअली कोई हम वर्क कर रहे हैं या हमने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, ग्रुप में हमने पार्टनरशिप करके अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, क्लस्टर्स वाइज किया हुआ है कि जैसे हमने अलॉट कर दिया है एरिया वाइज कि ये पूरा टेरिटरी एक मतलब एक ही क्लस्टर देखेगा। क्लस्टर मीन्स होते हैं क्लब करके जो हम किया करते हैं। कोऑपरेटिव मीन्स होता है कि एक बहुत बड़े लेवल वाइल्ड एरिया लेवल पे जो बिजनेस को सेटअप किया जाता है। इसमें रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए कुछ नीड्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशंस को हमें देखना है कि जो किस तरीके का ऑक्यूपेशंस लेवल है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत कम करना है कि लोगों के पास कुछ वर्कआउट करने के लिए है भी के नहीं है। डिस्पैरिटी जो हमारी इनकम है उसको कम करना है, इनकम लेवल बढ़ाना है, और रूरल एरिया में माइग्रेंट्स जो प्रॉब्लम्स है उसको देखना है, कम करना है, बैलेंसिंग ओरिजिनल डेवलपमेंट करना है, मतलब कि एक्चुअल में ही होना चाहिए, सिर्फ दिखावटी नहीं होना चाहिए। प्लेस एरियाज़ को हमें बहुत ध्यान में रखते हुए इन्हेंस करना है, डेवलप्ड करना है, और इकोनॉमिकली हमें पूरा देखना है, चेक करना है ओवरऑल कितना डेवलपमेंट हो रहा है। एंड देन चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस आते हैं जैसे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती है प्रॉपर तरीके से गांव में या रूरल एरियाज़ में, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को ड्रॉबैक जाता है। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं, ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, एक्सपर्ट नहीं जा पाते हैं इतने रूरल एरियाज़ में जितने के अर्बन एरियाज़ में इजीली मिल जाते हैं। हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होती है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं, एक्सपेंसेस। क्वालिटी कंट्रोल को भी देखा जाता है इसमें, जो कि आप रूरल एरिया में देखेंगे वो क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वेयर हाउसेस जो हमारे होते हैं उनका थोड़ा इश्यूज रहते हैं, प्रॉपर तरीके से वेयर हाउसिंग में प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ मार्केटिंग प्रमोशन जो कि सबसे मेजर पार्ट है, प्रमोशंस भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से वहाँ के लोग होते हैं, बट प्रमोशंस करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। एंड एडुकेशन्स हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एडुकेशन्स के रीज़न से ही हम प्रॉपर
ये सारे स्टेप्स नहीं कर पाते, ये हमारा प्रमोशंस नहीं हो पाता है, जो हमारा एडवर्टीजमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इसको जो लिविंग स्टैंडर्ड, एक सेकेंड, मतलब किस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड को शो किया जाए गाँव में, कि सॉफ्टली इजीली कंडीशंस देखी जाए एंटरप्रेन्योर्स की, फाइनेंशियली रॉ मटेरियल्स को भी अच्छे से ब्लेज में, मतलब कहीं ना कहीं पे हमें स्टोर करके रखना चाहिए। और देन इसमें हमें डेवलप्ड करना है जो कि रूरल एरिया का एक एटीट्यूड्स है, इन सब चीज़ को हमें डेवलप करना है। इसमें पूछा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे इफेक्टिव डेवलपमेंट देखा गया है एंटरप्रेन्योर्स का, वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब डोमेस्टिक लेवल से ऊपर, मतलब इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम लोकल बेस पे या डोमेस्टिक बेस पे अच्छा प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो हमारी प्रोडक्शन बाहर जा पाएगी। उससे बेनिफिट्स होगा ये कि जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं सपोज़ इंडिया के अंदर, वो हम बहुत अच्छे से, हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ की जा रही हैं, तो फॉरेन में भी अगर हम बाहर किसी कंट्री में अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो उससे कंपनी को, कंट्री को की जीडीपी बढ़ेगी, एंड देन ट्रेडिंग अच्छे से हो पाएगी, मतलब एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा और हमारे जो एक तरीके से वर्क करने का तरीका है वो अच्छा होगा, प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, तो उनकी डिमांड भी आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा होगी, ट्रेडिंग भी बढ़ेगी, एंड जो अदर नेशनल लेवल पे हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और ग्लोबलाइजेशन पे हमारी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस जीडीपी भी बढ़ेगी। इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे रूरल एंटरप्रेन्योर्स को मिलती है डेवलप्ड करने के लिए, प्रोग्राम डेवलप्ड करने के लिए रीजनल रूरल पे मिलती हैं, सेंटर्स बनाए जाते हैं, सोशल जैसे एनजीओज़ वगैरह होते हैं, फूड पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स वर्कआउट करते हैं, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, रूरल इनोवेशंस को, मतलब रूरल बेस पे किस तरीके से हम अपना इनोवेटिव्स कर सकते हैं। इनोवेटिव थियरी हमने पढ़ी थी, ईडी की थियरीज में हमने पढ़ी थी, तो ये हमें जोसेफ ए जुपिटर ने दी थी। इसमें इनोवेशंस में इन्होंने 5 स्टेप्स दिए थे फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो वो कौन कौन से 5 स्टेप्स थे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है इनोवेटिव थियरी के बारे में। तो हमारे 5 हैं कि न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होगी, न्यू क्वालिटी होगी, न्यू मार्केट होगा, न्यू रिसोर्सेज होंगी, हमारे न्यू मेथड से हम करते हैं। तो ये 5 स्टेप्स ध्यान रखना है, ये मैंने पूरे हाईलाइट कर दिए हैं, ये आप अच्छे से देख लेना। नाउडेज ये बोलते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है उसमें इनोवेशंस को हम बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये जो 3 स्टेप्स हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस मॉडल्स इनोवेशंस, ये यहाँ पे मैंने डीप में लिख दिया है। बट अगर आपको बताओ कि किसी प्रोडक्ट को अगर न्यू प्रोडक्ट हम डेवलप करना चाहते हैं, न्यू थिंकिंग हम उसमें यूज़ करते हैं, न्यू नॉलेज, जैसे अमेजॉन फर्स्ट टाइम मतलब जब आया था इस तरीके से, तो वो एक न्यू प्रोडक्ट का, न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू प्रोसेस, न्यू बिजनेस उन्होंने सेटअप किया था, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।